everyone. Today we are going to talk about ib family. So ib is made of two alphabets, I and B. IB together is called as ib. तो आज हम बात करेंगे ib family के बारे में. तो उससे पहले आप एक स्टोरी सुनना चाहते हैं क्या ib के बारे में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक समय की बात है, एक अल्फाबेट था, उसका नाम था आई, और एक दूसरा अल्फाबेट था, उसका नाम था बी, और वो दोनों बहुत ही सैड थे इस गर्ल की तरह. व्हाई? बिकॉज उनका कोई फ्रेंड नहीं था. तो एक दिन आई और बी ने सोचा कि चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं. तो दोनों ने हैंडशेक किया और फिर वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए और अब सब लोग उन्हें कहते हैं एब. यस. और जब वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए तो उन्होंने बहुत सारे न्यू वर्ड्स बनाए. तो क्या आप उन वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज रिब. What is the sound of letter R? R. And what is the sound of I? I. And what is the sound of B? B. R. I. B. Rib. R. I. B. Rib. R. I. B. Rib. What is this? ये मम्मा लगाती है छोटे बेबीज को, सो दैट जब वो खाना खाएं, पानी पिएं, तो उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिब. सो बी ब ब इ ब बिब ब इ ब बिब ब इ ब बिब. सो दिस इज द टिप ऑफ द पेन. ये हमारे पेन का टिप है और इस टिप को हम क्या कहते हैं? निब. निब. व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर एन? न. न इ ब निब. न इ ब निब. न इ ब निब. लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ राइम. सो डियर चिल्ड्रन, please go and watch the sight words first so that you can understand the entire rhyme. And अब आप बहुत big babies हो गए हैं तो आपको मम्मा डैडी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही ये सारे के सारे words बोल सकते हैं. So all you have to do is read the sight words. So r ib rib, r ib rib, r ib rib. It is a रिब. रिब क्या होता है? ये जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट के नीचे जो बोन्स होते हैं उसको कहते हैं रिब. और देखो वो बॉय पॉइंट कर रहा है ना उस स्केलेटन में रिब की तरफ. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिब. ब इब बिब, ब इब बिब, ब इब बिब, बिब बिब बिब, बिब विद अ बिब. सो यहाँ पे एक कैटी है and catty का नाम है pib. p i b pib. p i b pib. n i b nib, n i b nib, n i b nib. a nib on the bib. So can you see this bib which is hanging on the cat's neck? Yes. So there is a picture of a nib on the bib. So, I hope you enjoyed the video. Keep watching. Bye-bye.